हमारे चैनल के सभी दर्शकों का हमारे चैनल की तरफ से और रणवीर सिंह राठौड़ देहरास रैन टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। फ्रेंड्स, ये हमने फ्लैट लगाया था अंदर और ये फ्लैट के सामने का वॉल टाइल लगाया है जिसको एलिवेशन भी बोलते हैं। तो ये टाइल लगाया है हमने 6x15 इंच का। ये एक विंडो है, ग्रेनाइट का विंडो बनाया है। तो विंडो का जो फ्रेम है ग्रेनाइट का उसको टच किया है और नीचे से लेके ऊपर तक सीलिंग तक हमने टाइल को टच किया है। इधर नीचे से लेकर ये ऊपर तक, और ये पैसेज है फ्लैट के आगे, पैसेज है, ये बड़ा बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के आगे पैसेज है, तो पैसेज में भी टाइल लगेगा। ये 6x15 इंच का हमने टाइल लगाया है, नीचे से लेके ऊपर सीलिंग तक टच किया है। और ये ग्रेनाइट का फ्रेम है, फ्रेम तक भी हमने टच किया है। और सभी से निवेदन है, जब भी एलिवेशन का वॉल टाइल, चाहे किचन का रहने दो, बाथरूम का रहने दो, या एलिवेशन का रहने दो, या अन्य कोई भी वॉल रहने दो, तो सादा सीमेंट और केमिकल सीमेंट दोनों मिक्स करके लगाना चाहिए। ये पूरा हमने टाइल लगाया है, रफ टाइल है और पत्थर रहता है, पत्थर के डिज़ाइन का टाइल है, रेडीमेड टाइल है, बनाया हुआ टाइल है। पूरा टाइल। और ये फ्लैट का चौगट, तो चौगट का जो ऊपर पट्टी लगाई है 3 इंच का, वो पट्टी से हमने टाइल को 1 सेंटी नीचे रखा है, चौगट के ऊपर नहीं आने दिया, चौगट के अंदर ही 1 सेंटी टाइल को रखा है ऊपर तक। बीम आया है, बीम के पास में टाइल को पीस में कट करके लगाया है। ये है वो पूरा चौगट, मेन गेट, वो सामने लाइट का पॉइंट मेन गेट के ऊपर। और दोस्तों, ये चौगट है, इसमें 2 स्टेप हैं। जो पहला अंदर का स्टेप है उसमें हमने जैसा ये दरवाज़ा लगाया है, दरवाज़ा लगा है, तो ये जो अंदर का स्टेप है उसको दरवाज़ा टच हो जाएगा। उसके बाद में 2 इंच का ये जगह है, 2 इंच का गैप रख के जो ये स्टेप है, इस स्टेप में गेट के बाहर जो दरवाज़ा लगता है जिसको सेफ्टी दरवाज़ा बोलते हैं, सेफ्टी गेट बोलते हैं, वो लगेगा। उसके बाद में ये 3 इंच का पट्टी लगाया है, जैसा चौगट, चौगट को टच किया दीवार को, तो दीवार और चौगट के बीच के अंदर क्या थोड़ा गैप रहता है ना, उस गैप को ढकने के लिए, गैप दिखना नहीं चाहिए, इसके लिए 3 इंच का पट्टी लगाया है। और ऊपर में हमने कातरा कटिंग किया है, ये पूरा कातरा कट करने से चौकट एकदम फर्स्ट क्लास दिख रही है, एकदम सिंपल चौकट है, सीधी चौकट है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी क्या है, ऊपर पट्टी लगाने से क्या है, एकदम अच्छी दिखती है और कातरा भी कट किया है। तो इसमें क्या है, एक तो अंदर का डोर हो जाएगा और दूसरा 2 इंच बाद में 2 इंच का गैप छोड़ के, जगह छोड़ के सेफ्टी डोर हो जाएगा। ऊपर ये 3 इंच का पट्टी लगाया है और चौगट के आगे पूरा ये वॉल टाइल लगाया है। और ये बेल, बेल का बोल्ट, इधर बेल आएगा, घंटी आएगा, ऐसा कोई भी बाहर से आदमी आया तो दरवाज़ा बंद रहेगा तो बेल बजाने का, तो अंदर जो भी होंगे उनको सुनाई देगा।
दरवाज़ा ओपन करेगा। ये पूरा चौखट है और सामने लाइट का पॉइंट है ऊपर में, और सीलिंग तक एकदम टच किया है टाइल को। देखने में बहुत सुंदर दिखता है एकदम पूरा। आगे मेन गेट का गेटअप आ गए है, नाइस लुक है। कैमरे में पूरा एक साथ दिखाई नहीं देता है इसलिए थोड़ा कम दिखता है, पूरा एक साथ देखने में बहुत शानदार दिखता है ये टाइल। और दर्शकों से निवेदन है, जो भी हमारे वीडियो देखते रहते हैं उनसे, कि हमारा वीडियो है वो एक दिन से, दो दिन से, तीन दिन से आता रहेगा, चैनल पे चढ़ता रहेगा। कभी बाथरूम की टाइल का, कभी फ्लोरिंग की टाइल का, कभी ग्रेनाइट फ्रेम का, विंडो का, डोर का, किचन का, काउंटर का, वॉश बेसिन का, ऐसे ऐसे क्या वीडियो हमारे सुंदर सुंदर नाइस वीडियो चढ़ते रहेंगे। जिनको भी हमारी वीडियो पसंद है और देखने से कुछ आपको जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, और जैसे कोई भी काम करवाने वाला जैसे पार्टी है उनको भी ऐसा पता चलता है कि भाई ये टाइल लगाने से पहले ही पता चल जाता है कि ये टाइल लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा, लुक ऐसा दिखेगा। इसलिए हमारे वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नए बंदे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।